प्रकाश का परावर्तन। इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के गुण। नमस्ते दीदी। नमस्ते बच्चों। दीदी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। जरूर सवाली, पूछो क्या पूछना है। दीदी, कल मैंने एक फिल्म देखी। उस फिल्म में एक अंधेरी गुफा में कई सारे शीशे लगे हुए थे और फिर एक व्यक्ति ने एक शीशे पर टॉर्च का प्रकाश डाला और वो प्रकाश अपने आप आगे के शीशों से टकराने लगा और सारी गुफा में रोशनी हो गई। ऐसा कैसे हुआ दीदी? यही तो विज्ञान का कमाल है सवाली। यहाँ भी विज्ञान दीदी। हाँ खोजी, ये है प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का विज्ञान। प्रकाश का क्या दीदी? मेरे पीछे बोलो सभी बच्चे, चलो। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। वर्तन दीदी, पर ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? बच्चों, ये तो तुम जानते ही हो कि जब प्रकाश किसी समतल तथा चिकनी सतह जैसे शीशे यानी दर्पण से टकराता है तो अपने चलने की दिशा बदल लेता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का ये परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या हम प्रकाश के परावर्तन को देख सकते हैं? क्यों नहीं खोजी, आओ प्रकाश के परावर्तन को देखने के लिए हम एक रोचक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप? फिर तो बहुत मजा आएगा। इस क्रियाकलाप के लिए हमें चाहिए एक टॉर्च, एक कंघी, एक सफेद चार्ट पेपर, समतल दर्पण की पट्टी तथा दर्पण और कंघी को सीधे खड़ा रखने के लिए कुछ क्लिप्स। सबसे पहले मेज पर एक सफेद चार्ट पेपर बिछा लेते हैं। अब क्लैंप्स की सहायता से चार्ट पेपर के एक ओर दर्पण पट्टी को खड़ा कर लेते हैं और ठीक उसके सामने कंघी को खड़ा कर लेते हैं। अब टॉर्च को ऑन करते हैं और कंघी के सामने रख देते हैं। इस समय टॉर्च को इस तरह रखना है कि इससे निकलने वाला प्रकाश चार्ट पेपर पर होता हुआ दर्पण से टकराए। अब टॉर्च के प्रकाश को साफ साफ देखने के लिए कमरे की लाइट बंद कर देते हैं। अरे वाह दीदी, अब तो टॉर्च का प्रकाश बहुत अच्छे से दिख रहा है। हाँ सवाली, अब यहाँ ध्यान से देखो, कंघी के दांतों के बीच से आने के कारण टॉर्च से आता प्रकाश पुंज प्रकाश की किरणों में बदल गया है। प्रकाश के स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणों को आपतित किरणें यानी इंसिडेंट रेज कहते हैं। दर्पण में हमें इन किरणों का प्रतिबिंब दिखता है। चलो अब इस दर्पण को थोड़ा टेढ़ा करके देखते हैं। दीदी, ये सभी किरणें तो दो दो हो गई, ऐसा कैसे? खोजी, ये प्रकाश के परावर्तन के कारण हुआ है। टॉर्च से आती किरणें जब दर्पण से टकराई तो वे दूसरी दिशा में मुड़ गईं। इसे ही तो कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो दीदी, उस फिल्म में भी जब उस व्यक्ति ने एक दर्पण पर प्रकाश डाला तो वो प्रकाश दर्पण से टकरा कर परावर्तन के कारण दूसरे दर्पण से टकराया होगा, है ना? फिर तीसरे से, फिर उसके आगे, है ना? बिल्कुल सही समझी तुम सवाली। चलो अब मैं तुम्हें समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के कुछ गुण बताती हूँ। बताइए दीदी। ऐसे नहीं, मैं क्रियाकलाप के माध्यम से तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी और तुम मुझे उसके उत्तर दोगे, ठीक है ना?
ठीक है दीदी। सवाली, जरा तुम्हारी रबर तो देना। लीजिए दीदी। मैं इस रबर को दर्पण के सामने ऐसे खड़ा करके रख देती हूँ, ठीक है? बताओ तो सही, दर्पण में क्या दिख रहा है तुम लोगों को? दर्पण में देखने पर ऐसा लगता है जैसे एक और रबर दर्पण के पीछे रखी हो। ठीक कहा खोजी, पर वास्तव में दर्पण में दिखने वाली रबर असली रबर का प्रतिबिंब यानी इमेज है, और असली वस्तु जो कि यहाँ रबर है बिंब यानी ऑब्जेक्ट कहलाती है। ओ, प्रतिबिंब और बिंब। अच्छा, अब ये बताओ प्रतिबिंब को देखने पर तुम्हें रबर का कौन से रंग का भाग ऊपर दिख रहा है और कौन सा नीचे? लाल भाग ऊपर है और नीला भाग नीचे है दीदी, जैसे असली रबर का है। तो चलो असली रबर को उल्टा कर देते हैं। तो बताओ प्रतिबिंब में अब कौन सा भाग ऊपर दिख रहा है और कौन सा नीचे? अब तो प्रतिबिंब भी उल्टा हो गया दीदी, नीला भाग ऊपर आ गया और लाल भाग नीचे। बिल्कुल सही बच्चों, यही है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का पहला गुण। जब दर्पण में बना प्रतिबिंब असली वस्तु जैसा सीधा ही दिखता है तो उसे सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। इससे हमें पता चला कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब सीधे प्रतिबिंब होते हैं, और अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो पाओगे कि वस्तु का प्रतिबिंब लंबाई और चौड़ाई में वस्तु के बराबर ही होता है। ये है दूसरा गुण। आपने तो कितनी आसानी से हमें ये गुण सिखा दिए दीदी। तो चलो अब अगला गुण सीखते हैं। मैं इस चार्ट पेपर पर एक सीधी रेखा में लगभग बराबर दूरी पर कुछ निशान लगा देती हूँ। सवाली, अब तुम इस रबर को पहले निशान से दूसरे निशान पर ले जाना और बाकी सब दर्पण में प्रतिबिंब को चलते हुए देखना, ठीक है? जी। ये चली मेरी रबर। सवाली, अब अपनी रबर को अगले निशान पर ले जाओ। ये चली मेरी रबर। चलो सवाली, अब अपनी रबर को वापस पहले निशान पर ले जाओ। ये लीजिए दीदी। तो क्या देखा तुम सबने? दीदी, रबर का प्रतिबिंब भी असली रबर की ही तरह एक निशान से दूसरे निशान तक चल रहा था। शाबाश खोजी, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। यही है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का अगला यानी तीसरा गुण। प्रतिबिंब दर्पण से उतने ही पीछे होता है जितना कि दर्पण से बिंब की दूरी होती है, समझे? जी दीदी। चलो अब मैं एक सफेद कागज दर्पण के पीछे की ओर दर्पण से कुछ दूरी पर रख देती हूँ। ये कागज एक पर्दे का कार्य कर रहा है। तो क्या तुम्हें पर्दे पर रबर का प्रतिबिंब दिख रहा है? नहीं दीदी। अच्छा, तो चलो इस पर्दे को दर्पण और रबर दोनों के आगे कुछ दूरी पर रख देते हैं। क्या तुम्हें अब रबर का प्रतिबिंब पर्दे पर दिख रहा है? नहीं दीदी, अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सही, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनाए जा सकते, और बच्चों ऐसे प्रतिबिंब जो पर्दे पर नहीं बनाए जा सकते उन्हें आभासीय प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज कहते हैं। यानी समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब आभासीय प्रतिबिंब होते हैं? ठीक कहा सवाली, यही है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का चौथा गुण। अच्छा, अब अगले गुण को समझने के लिए चलो अलमारी में लगे उस बड़े समतल दर्पण के पास चलते हैं। कोजी, जरा इस दर्पण के सामने तो खड़े होना। लो दीदी, आ गया मैं। अब तुम अपने दक्षिण यानी दाएं हाथ से अपना दायां कान पकड़ो। ठीक है दीदी। क्या दर्पण में बने तुम्हारे प्रतिबिंब ने भी अपने दाएं हाथ से अपना दायां कान ही पकड़ा है? नहीं दीदी, मेरे प्रतिबिंब ने तो अपने बाएं हाथ से बायां कान पकड़ा हुआ है।
तो चलो अब तुम भी अपने वाम यानी बाएं हाथ से अपना बायां कान पकड़ कर देखो। अरे दीदी, मैंने बायां हाथ उठाया तो मेरे प्रतिबिंब ने दायां हाथ उठा लिया और कान भी दायां ही पकड़ा। यानी प्रतिबिंब में तुम्हारा दायां भाग बायां हो गया और बायां भाग दायां हो गया। पर खोजी, तुम्हारा प्रतिबिंब तो तुम्हारी तरह सीधा ही दिख रहा है। हाँ दीदी। इसका मतलब दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु की तुलना में उसके साइड बदल जाते हैं। साइड को हिंदी में पार्श्व कहते हैं, जो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में परिवर्तित हो रहे हैं, और इसलिए इस परिघटना को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन यानी लैटरल इन्वर्जन। अच्छे से समझ गए ना सब? जी दीदी, हम समझ गए। तो चलो अब मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है दीदी। तो बताओ, यदि मैं इस फूल को एक समतल दर्पण के आगे सीधा रखूंगी तो इसके प्रतिबिंब में पंखुड़ी ऊपर होगी या तना? ये तो मुझे पता है दीदी, पंखुड़ी ऊपर होगी और तना नीचे। और ऐसा क्यों भला? क्योंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधे बनते हैं ना दीदी। शाबाश सवाली। तो अब ये बताओ, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार यानी उसकी लंबाई चौड़ाई वस्तु की तुलना में बड़ी होती है या छोटी? ना बड़ी ना छोटी, वो तो वस्तु के आकार के बराबर ही होती है ना दीदी। बहुत अच्छे खोजी, सही कहा तुमने। अब बताओ, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? वो जो पर्दे पर नहीं बनता दीदी, नाम मैं भूल गई। उसे आभासीय प्रतिबिंब कहते हैं सवाली। हाँ। अच्छा, अब जब तुम लोग सब समझ गए हो तो मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे कुछ नई रोचक जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियाँ, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।